आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम हरे मटर की सूखी सब्जी बना रहे हैं। हरे मटर की सूखी सब्जी बनाने के लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है वो हम आपको बता रहे हैं। ये 500 ग्राम हमने मटर लिए हैं या 2 कटोरी आप मटर के दाने ले सकते हैं। 4 टमाटर, 2 हरी मिर्चें, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 1/2 कटोरी हमने हरा धनिया लिया है काट के। 2 चम्मच हमने बेसन लिया है, 2 चम्मच मक्खन, 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच गरम मसाला। इन सामान के साथ हम सूखी हरी मटर की सब्जी तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें ये टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाना होगा। हमने अपने टमाटरों का पेस्ट बना लिया है। हमने तेज गैस पे एक पैन रख दिया है। अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। अब 1 मिनट बाद हमारा तेल गर्म हो चुका है। हम अपनी गैस धीमी कर देंगे और इसके अंदर जीरा डालते हैं। जीरे को हम सुनहरा कर लेते हैं। इसके अंदर हम धनिया भी ऐड कर रहे हैं। गैस हम धीमी में रखेंगे क्योंकि जिससे हमारे मसाले जले ना। अब हमारा जीरा और धनिया भुन चुका है। अब इसके अंदर हम टमाटर की प्यूरी ऐड करते हैं। इसको भी हम धीमी गैस पर भून लेते हैं। साथ में ही हम हल्दी मिर्च ऐड कर देते हैं। अब गैस हम अपनी मीडियम कर देंगे और टमाटर को भून लेंगे अच्छी तरह से। हमारी प्यूरी भून चुकी है। अब इसके अंदर हम अपना नमक ऐड कर देते हैं और नमक मिलाने के बाद हम अपने हरी मटर ऐड करते हैं। इन सबको हम मिलाकर धीमी गैस करते हैं और इसको ढक देते हैं। 5 मिनट के लिए हम इसको ढक देते हैं जिससे हमारी मटर पक जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं हमारी सब्जी कितनी पकी है। अब हमारी मटर आधे से ज़्यादा पक चुकी है। देखिए थोड़ी अभी बाकी है। अभी हम और ढकते हैं। दूसरी गैस पर हम आज धीमी करके एक पैन रख देते हैं छोटा और उसमें हम मक्खन ऐड करते हैं अपना। मक्खन गर्म हो जाएगा तब हम अपना बेसन भूनते हैं। अब हमारा मक्खन गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम बेसन ऐड करके इसको धीमी गैस पे भून लेते हैं। आप गैस तेज ना करें, तेज करेंगे तो हमारा बेसन जल जाएगा। अब हमारी सब्जी देखते हैं कितनी पकी है। अब हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसके अंदर हम ये अपना गरम मसाला ऐड करते हैं। इसको डालकर भी हम मिला देते हैं। हमारा बेसन भून चुका है। वो बेसन इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। अब इसको हम मिलाकर 2 मिनट के लिए फिर ढकते हैं। अब हमारी सब्जी को 2 मिनट हो चुके हैं। हम देखते हैं कि हमारी सब्जी पूरी तरह से पक चुकी होगी। हमारी सब्जी पूरी तरह से पक चुकी है। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड करते हैं। इसको भी हम मिला देते हैं। अब इसको हम बाउल में निकाल देते हैं। अब हमारी मसालेदार हरे मटर की सूखी सब्जी खाने के लिए तैयार है। यदि आपको मेरी बनाई हुई सब्जी पसंद हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।